हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने के लिए आया हूँ, जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपनी ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एक महारत्न कंपनी है, जिसके व्यावसायिक हित संपूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में फैले हुए हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के रिफाइनिंग, पाइपलाइन, परिवहन और विपणन से लेकर अनुसंधान एवं विकास, अन्वेषण और उत्पादन, प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल्स के विपणन तक भारत के तेल शोधन और पेट्रोलियम विपणन क्षेत्र में इसका नेतृत्व स्थान है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका कि मार्केट कैप 1,39,800 करोड़ है, स्टॉक पी 3.62 का है और ROCE 8.09%, ROE 7.17%, बुक वैल्यू 118 रुपया है और करेंट प्राइस 99 रुपया। बुक वैल्यू से कम रुपए पर ट्रेड कर रही है इसका शेयर। 52 वीक का हाई लो 107 रुपया और 68.80 रुपया। डिविडेंड यील्ड 5.05% का है। फेस वैल्यू 10 रुपया है। 1 ईयर का चार्ट इस प्रकार है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये नेक्स्ट टारगेट लगभग 110 रुपया को अचीव करने के लिए तैयारी में लगा हुआ है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट करने का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही। इस कंपनी में प्रोज दो है और कॉन्स कुछ भी नहीं है, तो प्रोज देखते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.84 times इट्स बुक वैल्यू, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 0.84 times पर ट्रेड कर रही है इसकी शेयर। और दूसरा है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 46.4%, यानी कि 46.4% डिविडेंड पे कर रही है, यानी कि पे की है। तो यही दो है प्रोज। इसका क्वार्टरली रिजल्ट इस प्रकार है। सितंबर 2023 का 1,79,246 करोड़ का सेल्स किया है। एक्सपेंस 1,55,917 करोड़ का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 23,328 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 13% का। अदर इनकम है 829 करोड़ का। इसका इंटरेस्ट 2,135 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 3,610 करोड़ का, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18,413 करोड़ का, टैक्स पेड किया 26% का, नेट प्रॉफिट 13,713 करोड़ का, जिसकी वजह से ईपीएस आया 9.29 रुपया। पिछले क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ा सा कम आया है, लगभग 1 रुपया कम, लेकिन उससे पिछले क्वार्टर का रिजल्ट से बेहतर है। तो थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच होते रहता है रिजल्ट में, सेम रिजल्ट नहीं आ सकता है। हाँ, अप आने की उम्मीद रख सकते हैं हमेशा। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 12 मंथ का इस प्रकार है। सेल्स 7,87,384 करोड़ का, एक्सपेंस 7,18,336 करोड़ का, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 69,048 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% का, अदर इनकम 4,819 करोड़ का, इंटरेस्ट 7,958 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 13,826 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 52,084 करोड़ का,
इसका नेट प्रॉफिट 40,180 करोड़ का, जिसकी वजह से EPS है 27.35 रुपये। बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसके बैलेंस शीट पर नज़र डालेंगे। इक्विटी कैपिटल 14,121 करोड़ का है। रिजर्व इसके पास 1,53,045 करोड़ का। ब्रोइंग 1,15,418 करोड़ का। अदर लाइबिलिटीज 1,75,389 करोड़ का है। टोटल लाइबिलिटीज 4,57,623 करोड़ का। फिक्स एसेट है 1,91,287 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है 56,664 करोड़ का। अदर एसेट 1,58,030 करोड़ का। टोटल एसेट जो है 4,57,623 करोड़ का है। फिर से दोस्तों याद दिला देता हूँ कि वीडियो बनाने का पर्पज़ ओनली वन नॉलेज है। इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही। कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो अगर देखते हैं तो माइनस में ही है, लेकिन ऑपरेटिंग से प्रॉफिट होता है इसका 29,644 करोड़ का मार्च 2023 के अनुसार। उससे पहले मार्च 2022 के अनुसार 25,747 करोड़ का है। इन्वेस्टिंग से तो माइनस में ही है दोनों साल, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी माइनस में ही है। थोड़ा सा नज़र डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो इस प्रकार है सितंबर 2023 के अनुसार। प्रमोटर होल्डिंग 51.50%, FIH के पास में 7.84%, DIH के पास में 10.70%, गवर्नमेंट के पास में 19.60% का, पब्लिक के पास में 10.36% का है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यानी कि कितने व्यक्तियों के पास में इसका शेयर है, तो 19,72,340। इसमें न्यूज न्यू नहीं है, ये 3 नवंबर का ही न्यूज है। IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका कि 98.95 रुपया शेयर प्राइस बता रहा है 60 पैसा प्लस होकर के 0.61% का वृद्धि हुआ है पिछले दिन। ये NSEIndia.com पे है। इसमें अभी भी सेल क्वांटिटी लगा हुआ है 99 रुपये पर 521 क्वांटिटी का। इसका नंबर ऑफ शेयर अगर देखते हैं ₹1,412,12,38,383 है। डिलीवरी पोजीशन इस प्रकार है। क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 13 नवंबर 2023 को 2,35,02,134, और डिलीवरी में उठाया गया 1,31,23,769। डिलीवरी परसेंटेज रहा 55.84% का। तो डिलीवरी पोजीशन भी अच्छा है NSE की वेबसाइट पे। फिर देखते हैं आगे BSE की वेबसाइट पे। जैसा कि दोस्तों BSEIndia.com पर आप देख रहे हैं 98.97 रुपया IOCL का शेयर प्राइस। यहाँ पर भी 3/11/2023 का ही अपडेट न्यूज है, जो कि अप्रूवल बाय द ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिजोल्यूशन प्लान फॉर एक्यूजन ऑफ
मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड अंडर कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो इस तरीके का न्यूज है, कुछ खास है नहीं। अंतरिम डिविडेंड जो कि 10/11/2023 को एक्सपायरी डेट था, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया गया है। बल्क डीलिंग कुछ भी नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पीछे मैं बता चुका हूँ, एनालिटिक्स इस प्रकार है। डिलीवरी पोजीशन इस पे अगर देखते हैं BSEIndia.com पे, तो 13/11/2023 का है। क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 11,29,680, डिलीवरी क्वांटिटी 4,26,039, परसेंटेज रहा 37.71। इस पर काफ़ी बेहतर डिलीवरी परसेंटेज नहीं रहा। इस शेयर में 1 ईयर का तो चार्ट इस प्रकार है, और मैक्सिमम चार्ट देखते हैं जो कि प्राइस चार्ट है, तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है, थोड़ा नीचे आकर के फिर से ऊपर, थोड़ा नीचे आकर के फिर से ऊपर। ये फिर से ही है मेरे आइडिया अनुसार 110 रुपया के टारगेट को अचीव करेगा कुछ ही दिनों में। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ और बुद्धि विवेक अनुसार ही। धन्यवाद दोस्तों।